होठों संबंधित सभी समस्याओं जैसे जटिल सिरदर्द, मस्तिष्क रोग, मिर्गी, लकवा, यादाश्त कम होना, रीढ़ की हड्डी तथा नसों से संबंधित जटिल रोगों के सफलतापूर्वक इलाज के लिए संपर्क करें डॉक्टर नरेश शर्मा, मधुबन प्लाजा, दिल्ली गेट, आगरा। घर को सजाइए, उपहार भी पाइए, कासगंज में दिवाली धमाका। गणेश होम डेकोर लेकर आए हैं आपके लिए दिवाली धमाका। करिए 1000 की खरीदारी और पाइए लकी ड्रॉ में शामिल होने का मौका। हमारा पता है गणेश होम डेकोर, डॉक्टर एस सी अग्रवाल के पास वाली गली, मिट्टू लाल छोटी सब्जी मंडी, सहावर गेट, कासगंज। तीन तलाक का कानून बनने के बाद भी तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कासगंज जिले में एक ही दिन में 3 तलाक के 2 मामले सामने आए थे, लेकिन मामला सिर्फ अफवाह तक ही सीमित रहा। जबकि दूसरे मामले में पुलिस ने 2019 संशोधन कानून के तहत तलाक देने वाले शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। यहाँ बता दें कि भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं पर कहर बनकर टूट रही तलाक 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 को समाप्त कर दिया हो, लेकिन आज भी मुस्लिम समाज में 3 तलाक महिलाओं पर हावी हो रही है। कासगंज के थाना साहबर कस्बे के मोहल्ला मुगल की रहने वाली महिला रजिया भी तलाक का शिकार हो गई। रजिया का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका पति खुश मोहम्मद उर्फ लल्ला अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर गाली गलौज करता था। जब उसने अपने पिता का गरीबी का हवाला देते हुए मना किया, पहले तो उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और फिर तलाक तलाक कहकर भाग गया तलाक की शिकार हुई रजिया के पास 2 बेटियों से 4 मासूम बच्चे हैं। तलाक के बाद रजिया का बुरा हाल है, उसने साहबर थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। नहीं सर, वो कमाते हैं, नहीं काम करते हैं, दारू पीते हैं, झूला खेलते हैं, बहुत ज्यादा हरकत करते हैं। 1 लाख रुपए में पहले एक दफा दिलवा चुकी हूँ अपने घर वालों से, उसके बावजूद भी अब वो फिर दोबारा मांगते हैं पैसा। या तो पैसा लेके आओ, या क्या कहते हैं मुझसे उनको लेगा तेरा कर लो तलाक लो, हर बात बात पर तलाक के कहते हैं मुझसे। और उसके बावजूद भी 7 बच्चे हैं, नहीं कमाते हैं, नहीं कुछ करते हैं, बहुत परेशान करती हूँ। मैं जो जी में आता है वो करते हैं और मारते हैं बेन चुन से, इतना मारते हैं कि बहुत याद जाने देखते हैं कि मर जाएगी कि नहीं। कितने बच्चे हैं आपके पास? 7 बच्चे हैं। हाँ, और उसमें झगड़े में तलाक भी दे दी है। कितनी बार कहा? 3 बार बोला। वही दूसरी ओर तलाक का दूसरा मामला कासगंज जनपद के गंज डुंडवारा थाना क्षेत्र में सामने आया था, लेकिन यह केवल अफवाह ही बनकर रह गया। एसपी सुशील घुले ने बताया कि मामले में महिला के बयान दर्ज किए गए थे, लेकिन 3 तलाक की कोई बात सामने नहीं आई। इसके बावजूद भी कोई तहरीर मिलती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। गंज डुंडवारा में ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया। सहावर में एक महिला ने एप्लीकेशन दिया जिसमें उसने उसके पति खुश मोहम्मद पुत्र फतेह मोहम्मद के खिलाफ एप्लीकेशन दिया है और उसने ये कहा है कि हमें दहेज को लेकर प्रताड़ित भी करता है और उसने उसको 3 बार तलाक बोल के तलाक भी दिया है। तो उस बात को लेके उसके एप्लीकेशन के आधार पर सावर थाने पे मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें 498A 323 504 IPC और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज राइट्स एक्ट 2019 की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और महिला के बयान किए जा रहे हैं, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।